अमृतसर के भंडारी पुल के उत्ते एक अंगहीन सिख अमृतधारी युवक अपने गुजारे लिए मास्क और छले वेचता सी, जिसनू देखते हुए लोग उसे तरस खा के उसनू गुजारे लिए पैसे भी दे जाते सन। पर अचानक ही कुछ लोगों के वलों उस युवक की बीयर पींदे की एक वीडियो वायरल की गई, जिस तो बाद एक वड्डा खुलासा सामने होया। इस वीडियो दे विच जदों वह बीयर पींदा होया नज़र आ रहा, तो वह अपने पैरों उत्ते चलता हुआ ठीक तरह दिखाई दे रहा है, जिस तो साफ पता लग रहा है कि वह अंग ही नहीं है। तो इस वीडियो नू वेखन तो बाद निहंग सिख जथेबंदियों वालों इसकी छानबीन करनी चाहिए, तो यह खुलासा होया कि वह वाकई ही अंगहीन होने का नाटक करता हुंदा सी ते लोगों की भले मानसी का फायदा चुकता हुंदा सी। इस उत्ते जद खुलासा होया तो की गलबात हुई है, आओ सुनते हाँ। एक कल की एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक वीर इतने भंडारी पुल से भंडारी पुल के उत्ते ना एक पौड़ियां ला के बेचता है मास्क या छले। हर समस्या का समाधान घर बैठे गारंटीड पाओ। मेहनत मेरी रहमत खुदा दी, रब दे घर देर है अंधेर नहीं। फ्री सेवा फ्री सलाह, निराश की समस्या, लव मैरिज, पति पत्नी विच अनबन, खुशीकरण, मन चाहया इसी पुरुष हुण हासिल करो। प्रेमिका नु मनाउणा, सातन दुश्मन तो छुटकारा, हर समस्या का समाधान। हर समस्या के समाधान ले संपर्क करो गुरु रघुवीर जी, मोबाइल 98 84 52 440। मेरा वीर है गुरसिख वीर है, तो वो ना वीडियो वायरल हुई राती ना बीयर पीन डिया सीगा। सारे वीर ने वीडियो शेयर की थी कि वीर बीयर पींदा है या शराब पीन डिया, यदा कोई गलबात करो, तो मतलब कि ड्रामे करता सीगा, पौड़ियां ला के जिस तरह लोगों को कि लोग वेखन, तो मैंने तरसे तरसे पैसे देन मेरी मदद कर। आप आए हाँ वीर बैठा ही, चुके लिया गड्डी बिठाया तो गल की वीर आते अपने मूँह कहता कि मेरी लत्त ठीक है, लत्तों कोई चक्कर नहीं आ, मैं सिर्फ एक पैसा कमाऊ का जरिया, मेरा मैं घर बना तो घर बना वा लोगों को पैसे लै लैके, कोई इनू 11,000 पाँगा, कोई इनू 3,000 पाँगा, बहरों लोग इन पैसे पाँ डे, तू घर बह के काम कर, जब तक कोई नहीं हों। तो इतने भंडारी पुल से खलो के सारी सारी रात सारा सारा दिन लम्मे पिया हों पौड़ियों के उत्ते, मतलब कि तरसनयोग हालत होंगी यदि कि लोग देखते कि बंदा पता नहीं मरी चलिया कि बंदा जरा नहीं सुधर सकता। इन बड़े बारी लोगों ने समझाया कि भी तू बैठ के काम कर ला, कोई तेरे को खड़े होकर नहीं होंगे। राती ये बंदे ने दारू पीती सी कि मानता है पीती सी दारू पीती सी बीयर पीती सी की मजबूरी सी अपनी शौक नहीं अमृतधारी हो ना तुम ये अमृतधारी सिंह आ तो जी लोग माया देकर जाते कोई दाह हूँ भी आप खड़े सके तो एक सिंह आया इन्हू पाँह दो नोट से देन लगा सगा लोग तो यह सोचते कि पता नहीं कि बंदा जरूरतमंद आए कि बेचारा तरस तरस की हालात है ये है ना, तो परिवार यदा फरीदकोट रहा है, तो ये इतने एक बिजनेस करता अपना, ये घरदे फोन करके पूछा कहते उन्हें दुकान है हाल गेट तकरीबन दुकान जी ने कमाई तो कर ही लेंदा होगा इतों सवेर तो लैके शाम तक जरा सही सही रात भी खलोता रहा है। कई बार तो अपने वीर आते हैं तो गड्डिया के घड़ी लम्बे पै जाता है बंदा कि किसी तो बहाना बने तो मैं इन्होंने को पैसे लवान कि मैं तो मर गया। सही गल है जी, ठीक है जी। ये बंदे का आप अज इन समझाने लगे हाँ बड़े प्रेम प्यार, कोई चपेट चपाट नहीं मारी तेरे, कुछ नहीं कहना इन प्यार ये समझाने लगे कि यह काम छड़ दे, ठीक है। ये गुरु महाराज बड़ी गंदी मार मारता जो मारन से आता ना, आप काम छड के आप कुछ चज के किरत कर ली जी हथी मेहनत करिए, तेरे को घर नहीं है तो मतलब सारे को ये जरूरी नहीं हर को घर होंगे, जिन्हें को घर नहीं आते रोड से मंगन नहीं आते, वो गुरु महाराज का शुक्र करो कि उन्हें जीवन दिता सानू, फिर भी आप गुरसिखी जीवन साढ़े को आप मार नाम की कमाई कर सकते हैं। वो पातशाह अगे बेनती करो जिन्हें सारी दुनिया में दिता है, एक किसी इंसान कोई देने जोगा नहीं किसी, आप इतने खलो के अज तो बाद खिलाना है, अज तो बाद आप इतने तर भंडारी पुल से नहीं खिलाना है, ठीक है। ये समान वेचना तो दुकान ला के कि वेचना है, ठीक है। पौड़ियां नहीं फड़नी, पौड़ियां नहीं फड़नी, अपना मेहनत करनी है, अज तो बाद खिलाना है, अज तो बाद आप इतने तर भंडारी पुल से नहीं खिलाना है, ठीक है। ये समान वेचना तो दुकान ला के वेचना है, ठीक है। पौड़ियां नहीं फड़नी, पौड़ियां नहीं फड़नी, अपना मेहनत करनी है, चज ना करनी है। मैं एक बेनती कर लत्ता, मैं तुम्हें पहला भी दसा जो कोई भी मैंने पुछता लत्ता मेरी ठीक ने लगने पावे एम आर आई करा दो ਤੇ ਡਿਸਕ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਲੋਦਾ ਬਾਬਾ ਰੰਗੇ ਭਲੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5-6 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣਾ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋ
ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਇਹਨੂੰ 100 200 500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਗ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਆਰਆਈ ਕਰਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਲੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 90ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਡੋਲ ਲੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੇਤ ਬੱਦਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ चंगी तरह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।